सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचते पहुंचते ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। ताजा मामला सादुलपुर कृषि उपज मंडी का है, जहां किसानों के अनाज भंडारण के लिए आवंटित गोदाम की जगह दुकानें बनाने का मामला सामने आया है। यहां अधिकारियों से मिलीभगत कर व्यापारियों ने अपने निजी फायदे के लिए 10 दुकानें बना ली हैं, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। वहीं कुछ पार्टियों ने मंडी सचिव को हटाने के लिए मांग करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजा है। इस मामले में किसान नेता भी सामने आने लगे हैं। किसान नेताओं ने मामले की जांच कर किसानों के लिए गोदाम नहीं बनाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कृषि उपज मंडी में जो किसानों के लिए भंडारण का आवंटन हेतु जो ये गोदाम बनाया गया है, इसको पहले तो विकृत रूप दे करके इसमें 10 दुकानें बना दी गई हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं, 6 साल से यहाँ के सचिव जो हैं वो यहाँ पे पद पे आसीन हैं, और उनके होते हुए कृषि उपज मंडी में काफ़ी सारी अनियमितताएँ हमें सुनने को मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि जो ये भंडारण में अनियमितता बरती गई है, इसमें कृषि उपज मंडी सचिव के साथ साथ जिन लोगों ने इसमें घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच हो और उन पे मुकदमा दर्ज हो। जन्मजात राजनेताओं की मिली भगत से भयंकर घोटाला हुआ कृषि मंडी में। जो किसान अनाज बेचने के लिए आते हैं, उनका अनाज भंडारण करने के लिए और उनको रहने के लिए जो जमीन थी कृषि मंडी के अंदर, उस जमीन पर राजनेताओं की मिली भगत कर उस जमीन पर निजी दुकानें बनाई जा रही हैं। ये किसानों के साथ